हमारे अन्नदाता किसान जो आजादी के इतने साल तक बदहाली और उपेक्षा के शिकार रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की बीज, पानी, खाद, मार्केट जैसी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों बहनों का जीवन बेहतर हो। समाज और अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लघु और सीमांत किसान परिवारों को उनका उचित सम्मान मिले, इसके लिए भी सरकार ने चिंता की और इसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसे किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की सम्मान राशि दिलाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान का देशव्यापी शुभारंभ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जसवाल, आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। ऐसे किसान जिनके खाते में पैसे गए हैं, उनमें से कुछ ऐसे किसान हैं जिनके खाते से पैसे को वापस लेगी सरकार, ऐसी कुछ जानकारियाँ यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। अगर आप भी एक ऐसे किसान हैं जो कि आपके खाते में पैसे आ गए हैं, तो आपको भी पैसे वापस करने की आवश्यकता होगी। क्या है इसके संबंधित पूरी नियम, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करने के लिए आखिरी तिथि क्या है, इसके ऊपर भी मैं यहां पे आप लोगों को विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी नए यूजर से करना गुजारिश कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे वीडियो बनाने में या फिर नई नई टॉपिक आप लोगों को देने में अच्छा लगता है, अंदर से प्रोत्साहन मिलता है कि और अच्छे से आप लोगों को जानकारी दी जाए। दोस्तों, यहाँ पे एक जानकारी निकल के सामने आ रही है, अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की पहली किस्त पाने वालों कई लोग ऐसे भी हैं जिनका खेती से सीधे तौर पर कुछ लेना देना नहीं है। राज्यों को इस चूक को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर बैंक खातों में हस्तांतरित हुआ पैसा वापस लेने को कहा गया है। केंद्र ने अगली किस्त जारी होने से पहले ऐसे लोगों का नाम हटाने का निर्देश भी दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कई गैर लाभार्थी के खातों में पहली किस्त हस्तांतरित की गई है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसके संबंधित और जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। राज्य सरकारें सबसे पहले ऐसे नामों की सूची से हटाएं जो इसके हकदार नहीं हैं, साथ ही कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाएं कि ऐसे लाभार्थियों के खाते में दूसरी किस्त हस्तांतरित हो पाए। राज्य सरकार ऐसे लोगों से पैसा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करे। वापस होने वाली राशि को एक पंजीकृत बैंक के अलग खाते में जमा कराया जाए। मंत्रालय ने मुख्य सचिवों, कृषि सचिवों और नोडल अधिकारियों को पैसा एकत्र होने के बाद bharatkosh.gov.in के पास जमा कराने को कहा गया है। इसमें कई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसान नहीं हैं, उनके पास खेती बाड़ी की कोई भी ज़मीन नहीं है, वे बिजनेसमैन हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं और किसी अन्य गड़बड़ी की वजह से उनके खाते में 2,000 रुपये की राशि चली गई है, तो वे लोग इस वेबसाइट पे आके उस पैसे को जमा करा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट या फिर आपके कृषि विभाग के जो भी अधिकारी होंगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है, अगर गैर लाभार्थी पैसा लौटाना चाहते हैं तो राज्य सरकारों द्वारा उन्हें सहायता मुहैया कराई जाएगी। गौरतलब है कि 24 फरवरी को केंद्र सरकार ने योजना के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त हस्तांतरित की थी। राज्यों द्वारा भेजी गई इस सूची में कई ऐसे लोग भी थे जो इसके पात्र नहीं थे। सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना शुरू की थी। इसके तहत 2 हेक्टेयर तक जोत वाले किसान को लाभ देना तय किया गया था। इसके तहत 6,000 रुपये छोटे किसानों के खातों में 3 किस्तों के रूप में डाले जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई वेबसाइट pmkisan.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसके संबंधित नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अगर आप एक किसान नहीं हैं और किसी गड़बड़ी की वजह से आपके खाते में यह अमाउंट आ गया है, तो आप लोग राज्य सरकार की वेबसाइट से या फिर भारत कोष की ऑफिशियल वेबसाइट से उस पैसे को रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आखिरी तिथि क्या है, 7 मार्च से पहले आप लोग इसके संबंधित
पूरे डॉक्यूमेंट्स को अपने तहसील या फिर लेखपाल के माध्यम से जमा कराएं ताकि आप भी पहली किस्त का लाभ ले पाएं। अगर आपको पहली किस्त मिल जाएगी तो दूसरी किस्त और तीसरी किस्त पाने में आप लोगों को कोई विशेष समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग देरी ना करें, नहीं तो आप भी 6,000 रुपये जो कि वार्षिक तौर पर आप लोगों को मिलने वाला है, आप लोग उससे वंचित रह जाएंगे। तो तत्काल प्रभाव से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे उस डॉक्यूमेंट्स को अपने लेखपाल या फिर तहसील के माध्यम से जमा करा दें। किसी भी स्टेट के हों आप लोग इसके लिए तुरंत आवेदन करें। कई स्टेट में ऑनलाइन की प्रक्रिया है, कई स्टेट में ऑफलाइन की प्रक्रिया है। तो इसके संबंधित जानकारी लेने के लिए आप लोग कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपने लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आप लोग वीडियो के माध्यम से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे अन्नदाता किसान जो आज़ादी के इतने साल तक बदहाली और उपेक्षा के शिकार रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की बीज, पानी, खाद, मार्केट जैसी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए हैं ताकि हमारे किसान भाइयों बहनों का जीवन बेहतर हो। समाज और अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लघु और सीमांत किसान परिवारों को उनका उचित सम्मान मिले, इसके लिए भी सरकार ने चिंता की और इसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसे किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की सम्मान राशि दिलाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान का देशव्यापी शुभारंभ हो रहा है। इस पैसे का उपयोग अब किसान परिवार बीज, खाद, कीटनाशक जैसी जरूरतों के लिए कर पाएगा। अब उसको साहूकार के पास से महंगे ब्याज वाली रकम से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। इससे 10 वर्ष में 7.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में जमा होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उन किसान परिवारों के लिए है जिनकी जोत की भूमि 2 हेक्टेयर तक है। इसके तहत दी जाने वाली सालाना 6,000 की सम्मान राशि को 2,000 की 3 किश्तों में सीधा लघु और सीमांत किसान परिवारों के खातों में भेजा जाएगा। लाभार्थी किसानों को हर 4 माह पर मिलने वाली ये राशि एक तरफ जहां फसल बोने के समय खेती की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, वहीं किसान समय पर इस सम्मान राशि का उपयोग कर खुद को महाजन के कर्ज से बचा पाएगा। इन योग्य किसान परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है और इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपये की पहली सम्मान राशि योग्य किसान परिवार के बैंक खाते में भेजी जा रही है। सम्मान जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, अब वो उसे मिल भी रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नए भारत में किसान की किसानी का नया अभिमान।